पढ़ाई महंगी हो रही है और इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च और या फिर अगर आप लेते हैं एजुकेशन लोन तो इन पर टैक्स छूट कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, आज यही समझते हैं बलवंत जी से। बलवंत जी बताइए, शिक्षा पर खर्चा अच्छा खासा हो रहा है, साथ ही में एजुकेशन लोन भी अब ले रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, तो इन पर टैक्स छूट क्लेम कैसे किया जा सकता है? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फुल टाइम कोर्स वगैरह के लिए जो खर्चा करते हैं इंडिया में, उसके लिए आपको सेक्शन 80C में बाकी दूसरी आइटम के साथ में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। कोर्स मैंने जैसे बताया फुल टाइम होना चाहिए, यह डिडक्शन सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही मिलता है और वो एजुकेशन इंडिया में ही होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो, और 2 बच्चे ज़्यादा है दो से, तो बांट सकते हैं। अगर खर्चा ज़्यादा है तो अलग अलग रिसिट हो तो क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो आइटम है वो जो एजुकेशन लोन पे जो आप इंटरेस्ट वगैरह भरते हैं, तो सेक्शन 80E में आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका ही बेनिफिट मिलता है। होम लोन जैसे आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। यह खर्चा आप जो इंटरेस्ट का है, जो एजुकेशन लोन लिया, वो आपके खुद के लिए, आपके वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, इवन आपके भाई बहन अगर आप पर डिपेंडेंट है उनके लिए भी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो आपका 12th पास होने के बाद वाला कोर्स होना चाहिए। यह लोन जो है या तो आप एजुकेशन अपना इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट से ले सकते हैं। यह इंटरेस्ट का जो क्लेम है इसका कोई लिमिट नहीं है, परंतु आप जिस साल से यह खर्चा क्लेम करना शुरू करते हैं उससे आपको ये 8 साल तक लगातार मिल जाएगा। और ये आपको पेमेंट बेसिस पे है, अगर आपने 1 से ज़्यादा साल का इंटरेस्ट का पेमेंट 1 साल में दिया है तो आप उसको भी 1 साल में पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप होम लोन जैसे एक बार आपका फिक्स हो गया रेशियो तो आपको क्लेम करना पड़ेगा, आप बारी बारी से जिसकी इनकम हो वो जो पेमेंट करेगा वो क्लेम कर सकते हैं। और ये जो एजुकेशन है, ज़रूरी नहीं कि 80C का डिडक्शन की तरह इंडिया में हो, आप इंडिया के बाहर भी एजुकेशन ले सकते हैं और जो लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए जो ऊपर खर्चे, वो जो सैलरी नॉन सैलरी दोनों को मिलते हैं। इसके अलावा 2 छोटी आइटम और है जिसका इनकम टैक्स एक्ट में सैलरीड लोगों को मिलता है। 2 बच्चों के लिए 100 रुपये पर मंथ का एजुकेशन अलाउंस अगर एम्प्लॉयर देता है तो एग्जम्प्ट है, और 300 रुपये हॉस्टल अलाउंस है 2 बच्चों के लिए। अगर एम्प्लॉयर आपको देता है और आपने खर्च किया है तो यह भी आपकी इनकम में एग्जम्प्ट होगा, मतलब इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ये एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए का, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए का, इस महंगाई में कितना मददगार होगा ये तो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन हाँ, 80C के तहत ट्यूशन फी पर छूट ले सकते हैं, 80E के तहत अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट